अपना दल एस की स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भरी हुंकार। राजपूत पैलेस के मैदान में दिखाई सियासी ताकत। उत्तर प्रदेश में 70 से अधिक सीट जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। अनुप्रिया को सुनने के लिए मैदान में मौजूद रही भारी भीड़। अनुप्रिया पटेल का बयान, आज उत्तर प्रदेश में तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। सामाजिक न्याय का एजेंडा हमारे दिल के करीब है। हम इसको लेकर कोई दिखावे की राजनीति नहीं करते। सामाजिक न्याय के जो भी विषय समय समय पर आए हैं, उसे राज्यों की विधानसभा से लेकर देश की संसद तक सदा उठाने का काम किया है। आज जिस मसले की पूरे देश में चर्चा हो रही है, जातीय जनगणना को लेकर अपना दल ने समय से लेकर ही इस विषय को उठाया है। जातीय जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी पर बरसी अनुप्रिया पटेल। कहा, उत्तर प्रदेश में कई बार सपा की सरकार रही, सपा ने क्यों नहीं कराई जातीय जनगणना? आज आप उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हो तब आपको जातीय जनगणना याद आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव पर लेकर बोली अनुप्रिया पटेल। कहा, हम NDA के घटक हैं, भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। NDA को पिछले दो चुनाव में सबसे ज्यादा मजबूती मिली है। इस बार भी हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश में 70 सीटों के पार जाएं। अपना दल हर मोर्चे पर अपना संगठन मजबूत कर रहा है। सीटों के बंटवारे को लेकर बोली अनुप्रिया पटेल। कहा, सीटों के बंटवारे पर अभी चर्चा नहीं हुई है, समय आने पर सीटों की बात भी की जाएगी। पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल भी मौजूद रहे। स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम में जिले के अन्य कार्यकर्ताओं के अलावा गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से प्रमोद सिंह ने सैकड़ों चार पहिया वाहनों से हजारों की भीड़ के साथ शिरकत। अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल ने अयोध्या की जनता को दिया धन्यवाद। मैं सपोर्ट करती हूं और सरकार से मांग करती हूं। तो क्या आपकी प्रधानमंत्री जी से या शीर्ष नेताओं से ऊपर बात हुई, क्या कुछ आश्वासन मिला? जो भी नहीं, आश्वासन की बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपना कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी को अपना स्टैंड खुद तय करना है, लेकिन मैंने सुना नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं इसका विरोध किया हो। अपना दल NDA का घटक है, अपना दल जातीय जनगणना का पक्षधर है, या हमारे सहयोगी दल को भी जानकारी होनी चाहिए और हम इसके पक्षधर हैं, यानी हम चाहते हैं कि देश में जातीय जनगणना हो। लोकसभा चुनाव की बात की जाए, अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए, लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या तैयारी आपकी? कितनी सीटें चाहिए लोकसभा चुनाव? 2024 का जो चुनाव है, हमें साथ मिलकर लड़ना है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मजबूती NDA को पिछले दो चुनाव में मिली है, और इस बार भी हमारा लक्ष्य है कि हम 70 पार जाएं और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा मजबूती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को मिले। उस दृष्टि से हमारा भी जो अपना संगठन है, हर मंडल में निरंतर संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से हमारे जो सांगठनिक सम्मेलन है, कार्यकर्ता सम्मेलन है, मंडलीय स्तर पर भी जनसभाएं हो रही हैं और जिले के स्तर पर भी कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, चुनाव की दृष्टि से संगठन को मजबूत। 22 तारीख को कि ऐसा है, NDA के अंदर बहुत सारे दल शामिल हैं। अपना दल NDA का एक लंबे समय से घटक है और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को हमारे प्रदेश की जनता ने बहुत पसंद किया और चारों चुनाव के परिणाम जो हमने साथ मिलकर लड़े वो आए। किसी भी विषय पर अपना दल ने सदैव NDA के बैठक में प्रधानमंत्री जी के सामने, जो हम सबके नेता है, अपना दल का किसी भी विषय पर क्या पक्ष है उसे हमने खुलकर रखा है। हमारी जो सहयोगी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके साथ मिलकर हम NDA में हैं, उनको उनके सामने भी अपना दल ने जातीय जनगणना को लेकर अपना स्टैंड क्लियर रखा है। भारतीय जनता पार्टी भी निश्चित रूप से इससे मंथन कर रही होगी। एक व्यापक विषय है, उनका क्या इस पे ओपिनियन है वो इसे बताएंगे, लेकिन अपना दल का इस पे क्या पक्ष है ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी माता जी कल आई थी, समय आने 22 तारीख को लोग 22 तारीख को प्राइम मिनिस्टर की पिछले 22 तारीख को प्राइम मिनिस्टर का कार्यक्रम होना है, मोदी प्राइम मिनिस्टर का कार्यक्रम हो रहा है 22 जनवरी को, मोदी जी आ रहे हैं 22 जनवरी को 2024 को। मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में। अच्छा, आपने बैकवोटों की सत्ता की मलाई वो खा रही है और पिताजी की मौत पर CBI जांच नहीं करवा रही, क्यों सत्ता की मलाई खा रही है? कैमरा गया तो और बताइए। अरे यार, कैमरा नीचे है। और कोई विषय? बस थैंक यू मैडम। जिसे आपने कहा कि मेरी बात हुई है NDA के घटक, क्या स्टैंड है आपका इस पे? क्या स्टैंड है? कोई टिप्पणी माँ के संबंध में नहीं कर रही। उन्होंने मांग की है कि सरकार से कि मेरे पति की CBI जांच हो।